मशरूम्स, हम खाते हैं वो भी मशरूम। लाल पिछवाड़े वाला बंदा, दिस इज एवरग्रीन प्लांट। रेनोट ऑरेंज, हॉर्स, अल्फोंसो, डेंसर, डेंसर मसल, केसर, मैंगोस। हेलो, गुड मॉर्निंग। वी हैव चेकड आउट और अभी हमने ब्रेकफास्ट भी हो गया हमारा। ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था, एवरीथिंग वॉज टेस्टी एंड डिलीशियस। और वो इतनी अच्छी तरह से आपको सर्व करते हैं, इट्स नॉट लाइक अ बुफे, इट्स लाइक दे सर्व यू एकदम हॉट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव देम अ टिप। सो मेरे बैग में आप जो देख रहे हो ना, वो है नागेश्वर मंदिर। कल आना रह गया था तो आज आ गए, और शिव भक्त हो तो ज़रूर आना यहाँ पे, अगर नहीं भी हो तो भी आना, बिकॉज इनके बिना तो भाई ज़िंदगी अधूरी है। बोटानिकल गार्डन और यह था वघई में। इसकी एंट्री फीस पता नहीं मेरे को, मॉम डैड ने ली होगी, पूछना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। तो फ़िलहाल ये बोटानिकल गार्डन जो है ये बनाया है एक फॉरेस्ट एरिया में, और बहुत सुंदर है, मेंटेन किया पूरा। सब आयुर्वेदा प्लांट्स और जितने भी तरह तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो सारे यहाँ दिए हुए हैं। मेडिसिनल है और फ्लावर्स है। और अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे DSLR अलाउड नहीं है। दिस इज़ ड्राई डेसीडियस प्लॉट, प्लीज पॉज करके देख लेना क्या इसका मतलब क्या है, पॉज करके देख लो। आप देख रहे हो ये बहुत ही घना है। आई थिंक बहुत साल बाद मैं ऐसे जंगल के एनवायरनमेंट में आया हूँ। वो हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना, ऐसा घना झाड़ है और ऐसा कोई बड़ा सा जानवर आ गया उसको खा गया। और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे वुड्स में वॉक करके। बाम्बू का, ये भी बाम्बू का झाड़, ये भी बाम्बू, ऑलमोस्ट पूरा बाम्बू से कवर्ड है। ओहो, लाल पिछवाड़े वाला बंदर मैं वो देख के भाग गया। तितलियाँ घूम रही है। तितली, जो तितली जो होती है ना, वो तितली टेलेरिया लेप्टोस्टाशिया बेंथ, अच्छे से देख लो। इतना पता था कि कुछ झाड़ ऐसे होते हैं जिसपे बटरफ्लाइज पसंद करती हैं उनके इर्द गिर्द घूमना, बट ये नहीं पता था कि इतनी घूमती है। दिस इज रेयर प्लांट्स, यहाँ पे जितने भी सब रेयर प्लांट्स हैं सब आप जो देख रहे हो, क्योंकि ये जो प्लॉट है रेयर एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पेसिस प्लॉट। एम्पिलोसिसस लेटीफोलिया प्लांट, लेटीफोलिया ससुरी जी, जबान मुड़ गई हमारी। यहाँ पे छोटा सा एक राइफल शूटिंग पॉइंट है और उसके बाजू में एक छोटा सा कैंटीन है, तो आप जा सकते हो यहाँ पे। देयर इज़ अ लेक ओवर हियर, छोटा सा तालाब है। दिस इज एवरग्रीन प्लॉट, जस्ट रीड दिस। दिस इज फ्रूट प्लॉट,
गुजरात इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, रेनोड फॉर इट्स हाफूस अल्फोंसो कैंसर है, सॉरी केसर मैंगोज. इधर कोई फ्रूट है क्या? सिट्रस लेमन. ओके, तो ये जो है नींबू का झाड़ है बॉस. सिंपल बात एकदम, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं लेके जाऊँगा. मैन वर्सेस वाइल्ड. मैं इधर आया हूँ कुछ तो कुछ खा के जाऊँगा. मशरूम्स जो हम खाते हैं वो नहीं है मशरूम. कौन है? मुझे पहले जो शॉट देखे ना वो ऐसा मेरे को फील कर रहा था कि आप कोई हॉरर मूवी या मिस्ट्री मूवी देख रहे हो. कोई मेरे को तो पसंद आया बस. बाकी तुम अपना रिव्यू दे देना कमेंट सेक्शन में. तो बोटानिकल गार्डन हो गया मेरा. एक घंटे की जगह दो घंटे लग गए, बट मज़ा आ गया. मम्मी की डांट भी सुननी पड़ी. जैसी देखा चिल्लाना चालू. रोड्स यहाँ के बहुत बहुत स्मूथ है और बहुत मेंटेन्ड है. मतलब आप यहाँ से आओगे ना, आपका जो ड्राइव है ना वो बहुत प्लेजेंट हो जाएगा, बहुत अमेजिंग हो जाएगा, मज़ा आएगा ड्राइव करके भी और बाजू में जितने लोग भी बैठे हैं वो भी. ऊपर से थोड़ा सा जूस वूस लेने गए, फ्रेश होने गए, थोड़ा सा टायर्डनेस लग रहा है, फटीग हो गया. लेट्स सी, देखते हैं अभी हाईवे पे कुछ देखते हैं. और हम अभी रुके हैं होटल फाउंटेन ग्रैंड, जो हम नेशनल हाईवे नंबर 8 पे आते हैं. हम लोग यहाँ से निकलते हैं स्टेट हाईवे से. सो राइट नाउ आई एम हैविंग इडली चटनी और सांभर. आज का जो ब्लॉग है बहुत समाप्त. सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, नेक्स्ट जर्नी पे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, आदियो सायनारा, दसवीं खुदा हाफिज़. शुभ खैर, रात का दिन शुभ रहे.